नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल द ऑर्चरिंग पर। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज हम बात करते हैं 20 फटाफट खबरों के बारे में। जानिए इस हफ्ते कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक कर सकते हैं आप इस साल की छुट्टियों की लिस्ट। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसी यह जगह सैलानियों को हमेशा से ही काफी लुभाती रही है। IRCTC टूर पैकेज, इन छुट्टियों में उठाएं नैनीताल की वादियों का लुत्फ। IRCTC लेकर आया है यह शानदार नया पैकेज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के प्रमुख इन्वेस्टमेंट कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी से की मुलाकात और कई मुद्दों पर हुई बातें। आधार सर्विसेज, अब डाकिये के जरिए करा सकते हैं आधार में मोबाइल नंबर अपडेट। इंडियन पोस्ट पेमेंट दे रहा है ये सुविधा। SBI वेलफेयर स्कीम, SBI वरिष्ठ नागरिकों को दे रहा है इस खास फिक्स डिपॉजिट योजना का लाभ। जानिए स्कीम की पूरी डिटेल्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ने घटाई होम लोन की ब्याज दर, जाने अब किस रेट पर मिलेगा होम लोन। बिजली की किल्लत के बीच राहत की खबर, ऐसे पैदा कर सकते हैं आप अपनी जरूरत की इलेक्ट्रिसिटी। पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन से पहले जरूर कर लें ये नियम चेक, वरना नहीं मिलेंगे साल में 6,000 रुपए। EPF ई नॉमिनेशन, ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं EPF नॉमिनी की डिटेल्स। फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस। ऑनलाइन फ्रॉड, आपकी घड़ी कमाई पर है जालसाजों की निगाह। EPFO की सलाह मानने से सलामत रहेंगे आपके पैसे। अब टाइम पर आपके शहर में पहुंचेगा जरूरी सामान, रेलवे ने शुरू की 2 लंबी मालगाड़ियां। फेस्टिव सीजन में रहे खबरदार, फर्जी ई कॉमर्स वेबसाइट भारतीयों को लगा रही है चूना। पीएम मित्रा से लेकर बोन्स तक का ऐलान, जानिए कैबिनेट के 2 बड़े फैसलों के बारे में। टैक्स बेनिफिट्स, एजुकेशन लोन पर मिलते हैं यह टैक्स बेनिफिट्स, जानिए हासिल कर आप भी ले सकते हैं ये फायदे। न्यू LPG सिलेंडर से गैस चोरी ना होने का रहेगा डर, वजन से भी के साथ दम ही का है कम। इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ने के लिए सरकार FY22 की दूसरी चहामी में 5.03 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। एयर टिकट, एयर इंडिया दे रही है वरिष्ठ नागरिकों को आधे दाम पर हवाई यात्रा का मौका। IRCTC टूर पैकेज, पहाड़ों में बैठकर कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, घूमने का भी मौका। जानिए इस पैकेज की सभी डिटेल्स। गो एयरलाइन लाने जा रही है अपना IPO, जुटाएगी 3,600 करोड़ रुपए, सेबी ने भी दी मंजूरी। तो ये थी हमारी आज की 20 फटाफट खबरें। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।